हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में आपको मैं अपना नया शर्ट दिखाऊंगी जो हमने अपनी वशियों के लिए बनाया है। ये हमारी हीफर्स हैं, इनको हम इस टाइम एआई कराएंगे इसी साल। ये हीफर्स का हमारा पेन है और हीफर्स के पेन के पीछे ही हमने वशियों वाला पेन बनाया अपना। और ये इसका एंट्री गेट है, इसमें से हम इसको दूध पिला सकते हैं, ये वाली जो बार है पूरी। फिर इसके बीच में आप जो है एक और गेट लगा है, यहाँ पे ये हल्क खड़ी है सेंटर पार्टीशन के लिए। बड़ी आप इस साइड पे छोड़ सकते हैं और छोटी आप उस साइड पे छोड़ सकते हैं। बीच में यू जी आप देख रहे हैं पूरा बार लगा खुली का। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, होल्ड कीजिए एक मिनट। ये पानी है, ये काफ स्टार्टर है। जब आपकी बच्ची, हेलो हल्क, जब आपकी बच्ची एक हफ्ते के ऊपर की हो जाती है तो आप उसको काफ स्टार्टर के ऊपर लगा सकते हो। दूध जो होता है ना वो र्यूमन में नहीं जाता। मुझे मत खाना, ये मुझे खाती रहती है हमेशा मेरे कपड़ों को जब भी मैं इसके पास आती हूँ। तो दूध जो होता है वो र्यूमन में नहीं जाता, र्यूमन के अलावा एक पार्ट होता है एल्बुमन, उसमें जाता है। तो आप जब भी अपनी जो बच्चियाँ उनको काफ स्टार्टर के ऊपर डालते हैं तो उनको पानी ज़रूर दें, क्योंकि उनको कंसंट्रेट के साथ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तभी वो अपना पूरा डाइजेशन उनका प्रॉपर रहेगा। कल हमारी एक 84 टैग, ये देखिए सारी सुबह की दूध पी के आराम से सो रही है, कोई टेंशन नहीं है इनको, वो बहुत प्यारी जर्सी है। चलो मैं सीमन आपको गिना देती हूँ, नहीं पहले शेड दिखाती हूँ। शेड हमने शीट्स लगाई हैं, ये आप कुंडियाँ देख रही हैं, ये सारे शेड के ऊपर कुंडियों से फिक्स है जाली के साथ। गर्मियों में हम सारी शीट्स को उतार कर रख देंगे, सिर्फ जाली रह जाएगी और छत रह जाएगी। ये बहुत लंबा है, हम इसको वो जो सामने आप साइड खाली देख रहे हैं ना वहाँ से भी इसको कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल गर्म हो जाए सर्दियों में। अभी सर्दियाँ, कल भी बरसात हुई थी तो ठंड थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए इनको बचाने के लिए हम उस साइड को भी पूरा कवर कर देंगे। तो गर्मियों में ये सारी शीट्स को यहाँ से लेके वहाँ तक सारी शीट्स को हम खोल के रख देंगे और सर्दियों में दोबारा फिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों के लिए अपने शेड को यूज़ कर सकते हैं। सीमन की बात कर लेते हैं, ये जो 76 टैग है ये सैकी है, ये जो शेर है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बॉडी वेट गेन कर रही है। ये है हल्की की, ये है स्ट्राइकर की। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है डायमंड कॉ वाली तो ये उसकी बच्ची है। ये हैमर की है, ये क्वांटाना की है, वर्ल्ड वाइड सायर क्वांटाना, बहुत ज़्यादा प्यारी है, इतनी प्यारी है ना आप इसको सारा दिन ही देख सकते हो बैठ के। वो अर्माडा की, अर्माडा का बॉडी वेट भी बहुत जल्दी गेन हो रहा है। और ये है एक्सिस की, वर्ल्ड वाइड सायर की। इसके आगे आप छोटियों में देख लीजिए, ये जो मेम है पैंची बैठी हुई है, ये है स्ट्राइक की, साथ में हैमर, आगे अर्माडा, वो आगे भी अर्माडा की है, और जो वो लास्ट में आप देख रहे हो ना वो जिक की है, जैसी जिक की, और ये भी हैमर की है जो खड़ी है अभी। तो ये था मेरा नया शर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारी रह गई कि आपने प्राली, नीचे प्राली हमने पूरे शेड में जो रात को होती है तो इनको बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, अभी रात को इन्होंने सारी खिलार दी थी, तो प्राली आप डाल के रखिए। नहीं तो आप इनको जितना भी खिलाते हैं ना, कंसंट्रेट दे लीजिए, दूध दे लिए, तो ये अपना बॉडी वेट को गर्म करने के लिए यूज़ करती हैं। इससे क्या होता है कि ये ग्रोथ नहीं ले पाती, इनका बॉडी वेट इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। ये अपनी सारी एनर्जी अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए यूज़ करती हैं। अगर आपकी इनको बॉडी गर्म पहले से कर देंगे, जैसा इनकी हाउसिंग अच्छी कर दीजिए, प्राली वगैरह दीजिए, तो आप इनको जितना भी खिलाएंगे ना वो इनकी बॉडी में लगता है और फिर इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। हमने यही कोशिश करनी है कि हमारी 22 से 24 महीने की वशी की डिलीवरी हो जाए, सारी कोशिश हमने यही करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई और पसंदीदा टॉपिक है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।